हे दोस्तों, टास्की डाइवर्सी केमिकल्स इस्तेमाल किए हुए लोग क्यों गोगो केमिकल्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं? दोस्तों, क्लीनिंग से जुड़े आने वाले अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्यों गोगो का जी सीरीज टास्की डाइवर्सी पर भारी पड़ रहा है। दोस्तों, परफेक्ट क्लीनिंग तभी होगा जब डाइल्यूशन परफेक्ट होगा, और यही गोल है हमारा, मोर केमिकल इफेक्ट विद जीरो केमिकल वेस्टेज। दोस्तों, गोगो एक इंडियन कंपनी है जो बेस इन मुंबई है, जिसका हाइजेनिक और क्लीनिंग केमिकल्स का नेटवर्क इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण है सुपीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी, वो भी अपने बजट में। दोस्तों, रेट वाइज प्रोडक्ट कंपेयर करके देखेंगे तो बहुत डिफरेंस है टास्की डाइवर्सी और गोगो के रेट में, और प्रोडक्ट वाइज क्वालिटी देखेंगे तो एकदम सिमिलर है। दोस्तों, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल का नारा देकर अपने आप को अधिक से अधिक इंडियन वस्तु को इस्तेमाल के साथ उसे ग्लोबल बनाने के लिए वोकल होने का मंत्र भी देना होगा, और अपने आप को भी तैयार करना होगा ग्लोबली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसे डिटेल में। गोगो का G1 बाथरूम क्लीनर कम सैनिटाइजर, ये 5 लीटर कैन के पैकिंग में आता है। दोस्तों, एक बाथरूम सरफेस क्लीनर है। बाथरूम में लगे टाइल्स, बेसिन, टब, सिंक, फ्लोर की टाइल्स और फिटिंग्स के क्लीनिंग के लिए प्रभावी केमिकल है। इसका डाइल्यूशन है कम गंदी सतह के लिए 20 ml सॉल्यूशन 1 लीटर पानी में, ज़्यादा गंदी सतह के लिए या डिसइंफेक्शन के लिए 30 ml सॉल्यूशन 1 लीटर पानी में। इसे कैसे इस्तेमाल करें? स्प्रे बॉटल का ट्रिगर निकालकर बॉटल में जरूरत के अनुसार G1 सॉल्यूशन ले और उसे साफ पानी से डाइल्यूट कर ले, और ट्रिगर लगा के उसे अच्छे से फिट करके स्प्रे ट्रिगर का नोजल बंद करके उसे अच्छे से हिलाकर मिक्स कर ले, और उसे डायरेक्ट स्प्रे करने के बाद 2 से 5 सेकेंड इस केमिकल को सतह पर रहने दे, और जरूरत है तो स्क्रबर से स्क्रब करें और ड्राई साफ कपड़े से साफ करें। बेहतर रिजल्ट के लिए माइक्रोफाइबर डस्टर इस्तेमाल करें। जनरल इन्फॉर्मेशन, फॉर्म लिक्विड, डेंसिटी 1 to 1.02, पीएच वैल्यू 7 to 8, ऑर्डर थोड़ा बहुत खुशबूदार, कलर ऑरेंज कलर क्लियर लिक्विड। इसमें आनंददायी रूम केयर फ्रेग्रेंस आता है। यह सभी प्रकार के वॉशेबल सरफेस पर सेफ है। यह तुरंत ही दाग धब्बों को निकाल देता है। गोगो का G2 हार्ड हाइजेनिक कॉन्सेंट्रेटेड सरफेस क्लीनर, ये 5 लीटर कैन के पैकिंग में आता है। दोस्तों, गोगो का G2 यह एक कॉन्सेंट्रेटेड ऑल सरफेसेस और हाइजेनिक क्लीनर है। इसका इस्तेमाल हार्ड सरफेस के लिए किया जाता है। डाइल्यूशन, हार्ड सरफेस के लिए 20 से 50 ml सॉल्यूशन 1 लीटर पानी में। इसे कैसे इस्तेमाल करें? दोस्तों, यह एक ऑल पर्पस क्लीनर है। छोटे एरिया के इस्तेमाल के लिए, जैसे कि हमने देखा, स्प्रे बॉटल का ट्रिगर निकालकर बॉटल में सॉल्यूशन ले और उसे साफ पानी से डाइल्यूट करके ट्रिगर लगाकर उसे अच्छे से फिट कर ले। स्प्रे ट्रिगर का नोजल बंद करके उसे अच्छे से हिलाकर मिक्स कर ले। दोस्तों, ध्यान रहे, इस केमिकल को डायरेक्ट स्प्रे नहीं करें, इसे क्लीनिंग क्लॉथ के ऊपर स्प्रे करके उससे ही वाइप करें, और कपड़े को साफ पानी में डुबोकर कपड़े को अच्छे से निचोड़ ले और उस सतह को साफ कर ले। बेहतर रिजल्ट के लिए ड्राई माइक्रोफाइबर कपड़े से बफ करें। दोस्तों, माइक्रोफाइबर डस्टर
ड्राई और वेट क्लीनिंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव क्लॉथ है, तो हम सजेस्ट करते कि आप माइक्रोफाइबर डस्टर ही यूज करें, इससे क्लीनिंग का इफेक्ट ज़्यादा आएगा। बड़े एरिया के वेट क्लीनिंग के लिए गोगो G2 को वेट मॉपिंग या स्क्रबिंग मशीन में भी यूज कर सकते हैं। बकेट या रिंगर ट्रॉली में साफ पानी ले और जरूरत के अनुसार गोगो का G2 सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करके वेट मॉपिंग करें। बेहतर रिजल्ट के लिए डाइल्यूट किए हुए सॉल्यूशन को स्क्वीजी बोतल में लेकर स्प्रिंकल करें। इससे साफ केमिकल सब जगह अप्लाई होगा और क्लीनिंग परफेक्टली होगा। अगर G2 मशीन में इस्तेमाल कर रहे हो तो बकेट में सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके अच्छे से मिक्स कर ले और स्क्रब मशीन के टैंक में डाल दे। इससे केमिकल अच्छे से मिक्स होगा और बेहतर रिजल्ट देगा। स्क्रबर मशीन से स्क्रब करके वेट वैक्यूम से वेट वैक्यूमिंग कर ले। G2 जनरल इन्फॉर्मेशन, फॉर्म लिक्विड, डेंसिटी 1 to 1.02, पीएच वैल्यू 7 to 8, ऑर्डर थोड़ा बहुत खुशबूदार, कलर केली ग्रीन कलर क्लियर लिक्विड। गोगो G2 फ्लोर को वॉश करके चमकाने का काम करता है। यह तुरंत ही दाग धब्बों को निकाल देता है और इसके इस्तेमाल से प्लेजेंट फ्रेश रूम केयर फ्रेग्रेंस आता है। गोगो G3 ग्लास क्लीनर कॉन्सेंट्रेट, यह 5 लीटर कैन के पैकिंग में आता है। गोगो का G3 एक कॉन्सेंट्रेटेड ग्लास क्लीनर है जो ग्लास मिरर, ग्लास डिस्प्ले केसेस पर इस्तेमाल के लिए उपयोगी है। डाइल्यूशन 20 से 50 ml सॉल्यूशन 1 लीटर पानी में। इसे कैसे इस्तेमाल करें? छोटे साइज के ग्लासेस पर इस्तेमाल के लिए गोगो G3 का सॉल्यूशन एक स्प्रे बॉटल में लेकर उसे साफ पानी से डाइल्यूट करके मिक्स कर ले और साफ कपड़े पर स्प्रे करके इस्तेमाल करें। बेहतर रिजल्ट के लिए माइक्रोफाइबर कपड़ा इस्तेमाल करें। ग्लास या मिरर्स को ज़्यादा चमकाने के लिए साफ सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से पफ करें। बड़े साइज के ग्लासेस पर इस्तेमाल के लिए गोगो का G3 केमिकल्स ग्लास क्लीनिंग बकेट में डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें। जनरल इन्फॉर्मेशन, फॉर्म लिक्विड, डेंसिटी 0.89 ग्राम पर सीसी, पीएच वैल्यू 6.5 to 7.5, ऑर्डर थोड़ा बहुत खुशबूदार, कलर ब्लू कलर क्लियर लिक्विड। गोगो G3 सभी वॉशेबल सरफेस पर उपयोग के लिए सुरक्षित है। इसके इस्तेमाल से प्लेजेंट फ्रेश रूम केयर फ्रेग्रेंस आता है। गोगो G4 फर्नीचर मेंटेनर, ये एक बहुत ही अच्छा फर्नीचर मेंटेनर है। ये 5 लीटर कैन के पैकिंग में आता है। गोगो G4 रेडी टू यूज प्रोडक्ट है। इसे वुडन सरफेसेस, टेबल चेयर और वुडन फर्नीचर को चमकाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक रेडी टू यूज प्रोडक्ट होने के कारण इस सॉल्यूशन में पानी मिक्स ना करें। इसे कैसे इस्तेमाल करें? गोगो G4 को स्प्रे बॉटल में निकालने से पहले उस फर्नीचर पॉलिश की कैन को अच्छे से हिलाकर यानी शेक करके स्प्रे बोतल में निकालकर साफ कपड़े पर स्प्रे करके इस्तेमाल करें। ज़्यादा शाइन के लिए ड्राई कपड़े से वर्क करें। ध्यान रहे, आप फर्नीचर पॉलिश कभी भी यूज करो तब स्प्रे बोतल या कैन को शेक करके ही इस्तेमाल करें। इससे केमिकल अच्छे से मिक्स होके रिजल्ट बहुत ही इफेक्टिव आते हैं। सावधानी, G4 फर्नीचर पॉलिश को ग्लास, मैट, टाइल, फ्लोर और स्टेयर पर इस्तेमाल नहीं करें। जनरल इन्फॉर्मेशन, फॉर्म लिक्विड, डेंसिटी 1 to 1.02,
पीएच वैल्यू 7, ऑर्डर थोड़ा बहुत खुशबूदार, कलर मिल्की वाइट लिक्विड, गोगो G4 फर्नीचर मेंटेनर जो फर्नीचर को प्रोटेक्ट करके उसकी लाइफ भी बढ़ाता है और इसके अलावा चमकाता भी है। इसके इस्तेमाल से प्लेजेंट फ्रेश रूम केयर फ्रेग्रेंस आता है। गोगो G5 एयर फ्रेशनर। G5 5 लीटर कैन के पैकिंग में आता है। यह दो अलग अलग फ्रेग्रेंसेस में आता है। G5 एक वाटर बेस्ड एयर फ्रेशनर लिक्विड है। इसकी खुशबू मनमोहक है। इसके इस्तेमाल से गंदी स्मेल का खात्मा करके प्लेजेंट फ्रेश खुशबू फैलाता है। G5 को गेस्ट रूम, बैंक्वेट हॉल और आईसी रूम जहाँ की गंदी स्मेल आ रही हो, वहाँ जैसे कि वॉशरूम, तंबाकू का ऑर्डर ज़्यादा आ रहा हो, G5 के इस्तेमाल से गंदी स्मेल का खात्मा करके अच्छी मनमोहक खुशबू फैलाता है। यह एक रेडी टू यूज फ्रेशनर है। इसे कैसे इस्तेमाल करें? गोगो G5 को स्प्रे बोतल में भरकर स्प्रे करें। इसे बिना पानी मिक्स किए हुए इस्तेमाल करें। ध्यान रहे नोजल को ऊपर की तरफ रखकर स्प्रे करें। इससे एयर फ्रेशनर हवा में खुल मिल जाएगा और अच्छी खुशबू फैलाएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन, फॉर्म लिक्विड, डेंसिटी 1 to 1.05, पीएच वैल्यू 7 to 8, ऑर्डर खुशबूदार, कलर लाइट पिंक कलर लिक्विड। यह तुरंत ही हवा में खुल मिल जाता है और गंदी स्मेल का खात्मा करके हवा को डिओड्राइज करता है। इसके इस्तेमाल से प्लेजेंट फ्रेश रूम केयर फ्रेग्रेंस आता है। G6 टॉयलेट बाउल क्लीनर। यह 5 लीटर और 500 ml बोतल की पैकिंग में आता है। गोगो G6 को टॉयलेट बाउल या यूरिनल्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक हाई इफेक्टिव टॉयलेट बाउल क्लीनर है जो यूरिनल्स या टॉयलेट बाउल को प्रभावी रूप से साफ करके उसके ऊपर का ग्लेज बनाए रखता है और साधारण एसिड के इस्तेमाल से फर्श तो खराब होगा ही और बाथरूम में लगे स्टेनलेस स्टील का नल्स भी सड़ने लगेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखें इन चीज़ों का और अपने हाउसकीपिंग टीम को भी इससे वाकिफ कराएं। यह चीज़ उनको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक मेंबर की गलती से पूरा टीम का नाम खराब हो सकता है। गोगो G6 के रेगुलर इस्तेमाल से टॉयलेट या यूरिनल्स के ऊपर स्टबन स्टेल निकल जाएंगे और लाइम स्केल भी डिपॉजिट नहीं होगा और टॉयलेट स्पार्कलिंग शाइन होगा। गोगो G6 यह एक रेडी टू यूज टॉयलेट बाउल क्लीनिंग लिक्विड है। इसे बिना डाइल्यूट किए इस्तेमाल करें। इसे कैसे इस्तेमाल करें? गोगो G6 के इस्तेमाल से पहले टॉयलेट बाउल में या यूरिनल्स में फ्लश करें। और उसके बाद टॉयलेट रिम के नीचे G6 के बोतल को हल्के से स्क्वीज करके टॉयलेट क्लीनर को अच्छे से अप्लाई करके 5 से 10 मिनट तक रहने दें। उसके बाद WC ब्रश से स्क्रबिंग करके फ्लश करें। अगर ज़रूरत है तो सॉफ्ट स्कॉच ब्राइट का इस्तेमाल करें। दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अपने टीम को ज़रूर बताइए, जो कि कोई भी टॉयलेट क्लीनर हो उसको स्टेनलेस स्टील पर या सेंसिटिव फ्लोर पर, एग्जांपल इनेमल या मार्बल पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। अगर गलती से भी एक बूंद टॉयलेट क्लीनर की उसके ऊपर गिर जाए तो तुरंत ही उसे गीले कपड़े से या पानी से साफ कर लें। और एक बात, इसे ब्लीचिंग पाउडर या कोई भी दूसरे केमिकल्स में मिक्स करके बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। जनरल इन्फॉर्मेशन, फॉर्म लिक्विड, डेंसिटी 1.02 to 1.05, पीएच वैल्यू एसिडिक, ऑर्डर थोड़ा बहुत खुशबूदार, कलर ट्रांसपेरेंट ब्लू। यह टॉयलेट के बैक्टीरियाज को ख़त्म करके टॉयलेट और यूरिनल्स को स्पार्कलिंग शाइन देता है। इसके इस्तेमाल से प्लेजेंट फ्रेश रूम केयर फ्रेग्रेंस आता है।
गोगो G7 फ्लोर क्लीनर। ये 5 लीटर कैन के पैकिंग में आता है। G7 एक कॉन्सेंट्रेटेड इफेक्टिव फ्लोर क्लीनर है। इसे वेट मॉपिंग और स्क्रबिंग मशीन में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, गोगो का G7 मार्बल और ग्रेनाइट पर इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित है। डाइल्यूशन, कम गंदी सतह के लिए 10 ml सॉल्यूशन 1 लीटर पानी में, ज़्यादा गंदी सतह के लिए 20 ml सॉल्यूशन 1 लीटर पानी में। इसे कैसे इस्तेमाल करें? दोस्तों, गोगो G7 को जरूरत के अनुसार डाइल्यूट कर ले। G7 मैनुअल क्लीनिंग या मशीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्किन ऑयल, टेन, डर्ट और वाटरमार्क को भी निकाल कर चमकदार सफाई करता है। जनरल इन्फॉर्मेशन, फॉर्म लिक्विड, डेंसिटी 1 to 1.02, पीएच वैल्यू 7 to 8, ऑर्डर थोड़ा बहुत खुशबूदार, कलर लेमन येलो कलर, क्लियर लिक्विड। यह सभी प्रकार के वॉशेबल सरफेस पर सेफ है। इसके इस्तेमाल से प्लेजेंट फ्रेश रूम केयर फ्रेग्रेंस आता है। दोस्तों, अगर आपको यह प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों, टस्ट का डॉक्टर के साथ जितना आप आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे उतना ही क्लिनिक से जुड़े नॉलेज को एनहांस करेंगे। अपने आप को तैयार करें ग्लोबली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दोस्तों, एक लाइक आपके नाम। चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।